କୁଟୁମ୍ବ ନୀତିରେ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଜାରି ରହିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ନୀତି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ଆଜାଦୀ କି ଅମୃତକାଳରେ ଭାରତର ବହୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ନଭେମ୍ବର ଅଠରରେ ସ୍ପେସ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଭାରତ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ରକେଟ୍ ନିର୍ମାଣର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଆମ ଦେଶ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିରେ ଭରପୁର ରହିଛି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶର କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଓ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ସହାବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି

आज अधिक अमृत काल में भारत बहु बड़ दायित्व तो रही एक अनूठे उपहार की चर्चा के साथ करना चाहता हूं तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में एक बुनकर भाई हैं एल हरिप्रसाद गारू उन्होंने मुझे अपने हाथों से जी ट्वेंटी का यह लोगो बुनकर के भेजा है ये शानदार उपहार देखकर तो मैं हैरानी रह गया हरिप्रसाद जी को अपनी कला में इतनी महारत हासिल है कि वो सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं हरिप्रसाद जी ने हाथ से बुने जी ट्वेंटी के इस लोगों के साथ ही मुझे एक चिट्ठी भी भेजी है इसमें उन्होंने लिखा है कि अगले साल जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है देश की इसी उपलब्धि की खुशी में उन्होंने जी का यह लोगो अपने हाथों से तैयार किया है बुनाई की यह बेहतरीन प्रतिभा उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली है और आज वे पूरे पैशन के साथ इसमें जुटे हुए हैं साथियों कुछ दिन पहले ही मुझे जी ट्वेंटी लोगों और भारत की प्रेसिडेंसी की वेबसाइट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिला था इस लोगों का चुनाव एक पब्लिक कॉन्टेस्ट के जरिए हुआ था जब मुझे हरिप्रसाद गारू द्वारा भेजा गया उपहार मिला तो मेरे मन में एक और विचार उठा तेलंगाना के किसी जिले में बैठा व्यक्ति भी जी ट्वेंटी जैसी समिट से खुद को कितना कनेक्ट महसूस कर सकता है यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा